हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राकेश व्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को साइको एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूं, जो कि पार्ट टू है या वीडियो पार्ट टू है। और इसके पहले एक वीडियो आया था, मतलब कंप्लीट डिटेल आप लोगों को मैंने बता दिया था, तो उस वीडियो का मैं लिंक यहाँ पर दे दूँगा, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और कौन कौन से टाइप ऑफ बैटरी टेस्ट फॉर साइको एग्ज़ाम के लिए आते हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मेमोरी फिगर टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि उसमें कितने टाइप के टेस्ट आते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई के टाइप टेस्ट आते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बुक से दिखाऊंगा और उसके कुछ कुछ ट्रिक होते हैं वो भी मैं बता दूंगा शॉर्ट टर्म में। और जब ये एग्ज़ाम होगा साइको तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दूंगा, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए आप लोग, जो भी ALP की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ सबसे पहले मेमोरी टेस्ट में आपका टाइप ए मैं बता रहा हूँ, तो आपका यहाँ पे फिगर पोजीशन टेस्ट होगा, जैसे आप लोगों को यहाँ बता दिया जाएगा, दिखाया जाएगा स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे आजकल एग्ज़ाम होती है। तो यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन में आप लोगों को 3 मिनट के लिए एक वीडियो, मतलब इसमें एक फिगर दिखाया जाएगा और आप इस फिगर को 3 मिनट में मेमोराइज़ कर लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। और फिर आपको वो मतलब वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन से चला जाएगा, फिर आप लोगों से यहाँ फिगर दिए रहेगा और आप लोगों को यहाँ भरना है। जैसे कि एक नंबर का क्या होगा, ए, जैसे एक नंबर में क्या ए में था एक नंबर में, तो यहाँ पे 1 का ये आंसर लिख देंगे। वैसे करके 2 कहाँ था, तो 2B पोजीशन पे था, 2A घर, तो उसका B पोजीशन लिख देंगे, 2 का B हो जाएगा आंसर। ऐसे करके इसका आंसर दिया जाता है। फिर ये आपका टाइप B मेमोरी टेस्ट है, जिसका नाम है रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट। इसके बारे में बताता हूँ, जैसे 3 मिनट आपको इसमें टाइम दिया जाएगा और यहाँ पे आपको 3 मिनट में आपको मेमोराइज़ कर लेना होगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, XRC, YBT, ZP कैसे करके आपको याद कर लेना होगा। उसके बाद आपको फिर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि E में क्या था, तो यहाँ पे आपका ऐसा करके बताया जाएगा, ZP के था, ऐसा करके आप बोलेंगे, यहाँ के 6 का E हो जाएगा आंसर। ऐसा करके इसको बनाया जाता है। तो ए हो गया टाइप बी मेमोरी टेस्ट। फिर ये आपका टाइप सी मेमोरी टेस्ट है, जिसका नाम है फिगर फाइंडिंग टेस्ट। तो आप लोगों को यहाँ पे ये भी मेमोराइज़ कर लेना होगा कि यहाँ पे जैसे ए, सपोज़ ये आपका है तो इसको आप लोग देख लीजिए अच्छा से, जैसे 1, 2, 3, 4 इसमें छोटा छोटा मतलब लाइन दिया गया है और बीच में ऐसे शेप बना हुआ है, तो आपको ऐसे करके याद कर लेना होगा सारा कुछ, इसको देख करके मेमोराइज़ कर लेना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, जैसे मैंने ये वाला देखा था, तो इसमें आपको कौन सा आंसर होगा, तो आपका इसका आंसर ये होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस किया गया है फिगर में, आपको एकदम ध्यान से उसको मेमोराइज़ करना होगा। फिर इसका आंसर ये होगा डी, तो 7 का डी होगा, तो 7 का ही आंसर डी होगा। देखिए तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं, ये टाइप सी मेमोरी टेस्ट हो गया। फिर ये आपका मेमोरी टेस्ट डी है, डी टाइप का है, फिगर एंड नंबर फाइंडिंग टेस्ट। तो आप लोगों को यहाँ पे ये भी मेमोराइज़ कर लेना होगा, जैसे इसके बगल में क्या है 57, इसके बगल में क्या है 65, और आप लोगों को मेमोराइज़ कर लेना होगा इसको पूरा अच्छा से। और आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ये आपका टाइप डी फिगर एंड नंबर फाइंडिंग टेस्ट। इसमें आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे ये फिगर के बगल में कौन सा नंबर है मेमोराइज़ करना होगा, ये सारा कुछ है। फिगर के बगल में 92 है, मेमोराइज़ करने के बाद आप लोगों को सीधा यहाँ पर स्क्रीन में आ जाएगा कि इसके बगल में कौन सा नंबर था। तो यहाँ से आप जैसे एक केक के बगल में कौन सा नंबर था, 76, तो यहाँ पे आपका 76 आंसर हो जाएगा, एक केक के बगल में 76, तो 1 का डी नंबर। ऐसे करके आप लोगों को मेमोराइज़ करना पड़ता है। फिर ये मेमोरी टेस्ट आपका ये हो गया फिगर मेमोरी टेस्ट। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो संक है उसके बगल में क्या है, ये आपका स्टेथोस्कोप है, तो ये साइकिल के बगल में इस टाइप का एक फिगर बना है, या फिर ये पूछा जाएगा इसके बगल में कौन सा फिगर है, तो आप लोग इसको मेमोराइज़ कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे आप लोग से पूछा जाएगा कि ये साइकिल के बगल में कौन सा था, इसके बगल में कैसा साइकिल था, तो यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा क्लोजली एकदम डिफ्रेंशिएट किया गया है फिगर को, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में, तो आप लोगों वहाँ से अच्छे से देखेंगे तभी आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 10 का क्या हो जाएगा,
10 का आपका हो जाएगा बी नंबर। तो ऐसे करके आपको मैंने सारा मेमोरी टेस्ट आपको बता दिया, जितने टाइप के मेमोरी टेस्ट होते हैं, और आपका एग्ज़ाम में इस मेमोरी मतलब ये जितने भी टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी अप टू ई तक है, इसमें से आप लोग का कोई भी एक मेमोरी टेस्ट आ सकता है। तो आप लोग एक ही मेमोरी टेस्ट आएगा, याद रखिएगा, जितने मेमोरी टेस्ट है उसमें से कोई एक ही आ सकता है। तो आप लोगों को सारा प्रैक्टिस करना होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा वॉच टेबल टेस्ट के बारे में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।